संयुक्त किसान मोर्चा ने सांसद बृजभूषण शरण की बर्खास्तगी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। कमिश्नर कार्यालय का किया गया घेराव। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग के किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए आज महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर रीवा संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर संभाग आयुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों ने भाजपा के सांसद और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उन्हें बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए, ये मांग है। आपने देखा कि विगत 23 अप्रैल से जंतर मंतर के अंदर हमारे देश की जो महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं वो धरने पर हैं। सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप हैं। उनके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देने के बाद जो खिलाड़ियों को न्याय मिला तो सरकार ने FIR कराया और पास्को एक्ट का भी मामला पंजीबद्ध है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यदि किसी आम नागरिक के खिलाफ पास्को एक्ट का मामला लगा होता तो आज तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बुलडोजर चलाने का काम करती, उनके घर जमींदोज करती, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरा देश इस मुद्दे पर बात कर रहा है, तमाम देश का संयुक्त किसान मोर्चा, सारे संगठन, नौजवान, छात्र दिल्ली पर लगातार जा रहे हैं। मैं भी वहां पर गया आंदोलन में, एक दिन मैं भी शिरकत किया और जिस तरह से हमने वहां देखा कि बिल्कुल सरासर जो है उनके साथ घटनाक्रम किया गया है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और मैंने शिवराज सिंह चौहान जी से भी मांग किया था कि आप 24 घंटे के अंदर बताइए कि आप गिरफ्तारी चाहते हैं कि नहीं। लगातार आप जो है दिन भर लाडली बहना, माताओं बहन बेटियों की आप बात करते हो, आपको रात में सपने भी आते होंगे बेटियों के, लेकिन आपको वो बेटियां दिखाई नहीं दे रही जो आज दिल्ली पर बैठी हैं। उनके खिलाफ, उनके साथ इतना बड़ा संगीन अपराध किया गया, तो हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं, बर्खास्तगी की मांग करते हैं और तत्काल चार्जशीट पेश करे पुलिस और तत्काल उस केस की सुनवाई हो, ये मांग करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा इस मुद्दे की लड़ाई की बात कर रहा है और यदि तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई, बर्खास्तगी नहीं हुई, तो दिल्ली में हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा संभाग रीवा, पूरे मध्य प्रदेश के किसान नेता वहाँ पर जाएंगे और आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे।